हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरी डॉटर अभी मेरे साथ नहीं है, एक्चुअली वो सामने नेबर है तो उनके घर खेलने गई है, क्योंकि शीरो भी वहीं पे गया हुआ है खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतने अपना ये ब्लॉग बना लेती हूँ आगे, क्योंकि वो बीच में आती रहती है, अपनी कोई ना कोई बात उसने करनी होती है आके। मैं यहाँ पे पापा के घर आई थी अभी खाना लेकर, क्योंकि पापा खाते नहीं है, नहीं तो लेट हो जाता है तो मना कर देते हैं, नहीं कोई बात नहीं ये वो। वैसे भी रात को थोड़ी पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी बता रहे थे पापा, बट वही अभी मॉर्निंग में ठीक है, दवाई लेकर आए थे, अभी पापा ठीक है। और बाकी आप सबको पता ही है, गर्मी सर्दी ऐसा मौसम हो गया है। अभी कल थोड़ा मौसम ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था, बट अभी फिर से ये आई थिंक वो जो पीपर जो है तूफ़ान के बारे में आजकल आ रहा है, मे भी शायद उसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भी। तो बट आई होप कि आप लोग सब अपना घर में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और बाकी अब आज मैं सोच रही थी कि किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाया जाए, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली से बात किए बिना दिल नहीं लगता, तो मुझे बात तो करनी चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली से। बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को नारियल खाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी नारियल खा रही थी। ये नारियल कच्चा नारियल है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली क्या है कि मनसा देवी गए थे दी और, तो वहाँ से नारियल लेके आए थे, फिर मैं वही नारियल खा रही हूँ। और आप लोग भी मुझे अपना कमेंट्स वगैरह में बताते रहिए, कुछ ना कुछ आप कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे क्या है, कैसा है, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कुछ तो बताइए। लेकिन यहाँ कमेंट्स बहुत कम आते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों को मेरा जो भी बात करने का तरीका या कैसा लग रहा है, अगर कोई कमी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, सो दैट कि मैं उस चीज़ को पूरा कर सकूँ, कमी को दूर कर सकूँ और आप लोगों को आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाकर भेजती रहूँ, सब कुछ मतलब अच्छे से अपनी कमियों को दूर करके अच्छे ब्लॉग्स बना सकूँ। ये देखो गाइज, ये पनीर भुजिया नमकीन है, ये दीदी बड़े शौक से लेके आई थी, हम जब गए थे बाहर तो हम, मैं ये नहीं बताऊँगी कि हमने कहाँ से ली थी, वैसे तो ये किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल ही जाती होगी, वैसे हम विशाल मार्ट से लेके आए थे, चलो मैं बता ही देती हूँ। तो वहाँ पे दीदी ने बड़े खुश होके ली थी कि शायद अच्छा फ्लेवर रहेगा, और बाकी लग भी रहा था देख के, बट जैसे ही हम घर लेके आए तो ये मीठा सा फ्लेवर था, हो सकता है जो मीठा वगैरह पसंद करते हों उनको शायद पसंद भी आ जाए मतलब, बट हमें थोड़ा सा ये स्पाइसी वगैरह या थोड़ा नमकीन ज़्यादा पसंद है, तीखा पसंद है, तो इस वजह से हमें नहीं पसंद आई। और इसे कम से कम 20 दिन हो गए होंगे, 20 से 25 दिन हो गए होंगे जब अभी तक ये यहाँ पे ऐसी रखी हुई थी। अभी मैंने बाहर देखे, मे भी शायद शीरो को दी होगी पापा ने, या खुद तो नहीं खाई होगी, क्योंकि पापा को भी ये पसंद नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अगर मीठा पसंद करते तो आप लोग ये पसंद करेंगे, मतलब अच्छी है। जैसे एक लहर की नमकीन भी आती थी खट्टी मीठी, थोड़ा सा उस तरह का फ्लेवर बोल सकते हैं, हल्का फुल्का। बाकी बच्चों के लिए अच्छी है ये नमकीन अगर आप खाना चाहे, और जो तीखा खाते हैं उन्हें पता नहीं ये पसंद आएगी कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पसंद आई है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसके बारे में। मेरी डॉटर आ गई है अभी नेबर के घर से, मैंने आपको बताया था वो वहाँ पे गई है, और जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो ये बीच में आ गई है कि मुझे भी लो। मैं आज आई हूँ पापा के घर, अभी कल नहीं आए थे क्योंकि कल मेरी फ्रेंड आई हुई थी, मैंने आप लोगों को जिससे मिलवाया भी था, और दूसरा थोड़ा सा बारिश भी हो गई थी तो इस वजह से पापा ने मना कर दिया था कि अभी रहने तो बारिश तेज हो जाएगी। और सच बताऊँ अभी मतलब दीदी भी गए हुए हैं तो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, दीदी थे जब यहाँ पे तो हम लोग आ जाते थे, जल्दी आ जाते थे और लेट नाइट तक रुक भी जाते थे, बट अभी वही दीदी नहीं है घर पे तो फिर मैं अकेली होती, पापा बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वही है कि पापा थोड़ा सा अकेले होते हैं जैसे, और इस वजह से पापा घर पे नहीं रुकते हैं ज़्यादा, थोड़ा उनको भी मतलब दिल नहीं लगता है घर पे अकेले। और ये देखो ये मेरी डॉटर को, पहले आप इसी को देख लिया कीजिए, मुझे तो आप बाद में देखिए, ये इसी का ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब, इसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बस खुश। और मम्मा बात कर ले, और बाकी वही मैं आपको जैसे बता रही थी कि दीदी अभी घर पे नहीं है, जब दीदी थे यहाँ पे तो मैं भी जल्दी आ जाती थी, अभी वही है छोटे वाली सिस्टर देखो कब आएंगी, क्योंकि दोनों का ऑफिस है और जॉब में मतलब वही आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी बड़े वाले दीदी काफ़ी दिन से यहाँ पर रुके हुए थे और अभी गए हैं दीदी 2 दिन पहले जब मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था, उसके बाद वही अभी वहाँ पर रुकेंगे थोड़े दिन, फिर उसके बाद दीदी कलकत्ता जाएंगे, देखते हैं अभी शायद पापा भी दिल्ली जाएंगे, तो अभी पीहू भी बोल रही है मेरी डॉटर की मुझे भी जाना है, बट मेरा मन नहीं लगेगा मेरा मन भी नहीं लगेगा, इसके पापा का मन भी नहीं लगेगा, और वही है मतलब इतनी दूर, वैसे तो ये अपनी मासियों के पास रह जाती है, नानू के साथ भी रह जाती है, बट वही थोड़ा सा मतलब खुद को भी होता है कि बच्चा घर पर नहीं है तो थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। अभी मैं नारियल खा के हटी हूँ,
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप डाला था व्लॉगिंग में। नारियल मैंने खा लिया है, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर को मैं मोस्टली स्किप कर देती हूँ लंच। वैसे करना नहीं चाहिए बट मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा लेट होता है दोपहर का, और इसलिए मैं लंच नहीं करती हूँ। समटाइम्स होता है कि कर लेती हूँ या कुछ वैसे बाहर का खा लिए, शायद तभी मैं थोड़ा सा फैटी भी हो गई हूँ। और बाकी बने रहिए कल के व्लॉग के लिए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं मतलब सुधार कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स में, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का मतलब मैं व्लॉग कर रही हूँ, जो गलतियाँ होती हैं आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, जो अच्छी बातें वो भी मुझे बताइए, सो दैट कि मुझे अच्छा लगे और मैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।